सभी भक्तों को जय माता दी। दोस्तों दोस्तों बड़े दुख के साथ मैं बताने वाला हूँ कि यहाँ पे जो भी आप नज़ारा देख रहे हो ये है वैष्णो देवी धाम का। और दोस्तों यहाँ पे नए साल के मौके पर बड़े दुख की बात है कि यहाँ पे भक्तों के बीच में भगदड़ मच गई, उस वजह से काफ़ी लोग यहाँ पे घायल हो गए और करीबन अभी तक जो सूचना मिल रही है उसके आधार पर 12 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, मतलब 12 लोगों की मौत हो चुकी है ऐसा बताया जा रहा है। दोस्तों जो यहाँ पे साइन बोर्ड है उनकी तरफ से, वैष्णो देवी साइन बोर्ड उनकी तरफ से जो मृत लोग हैं उनों को जो भी मुआवजा है वह देने का ऐलान भी यहाँ पे करा जाएगा, जैसे कि अभी आपको इस वीडियो में बताने वाले। और अभी आपको वो नज़ारा दिखाने वाले जो नाइट के वक्त का था, मतलब सुबह के टाइम का था, अंधेरा था, करीबन नाइट के 3 बजे के आसपास यह हादसा हुआ था जो एकदम भगदड़ मची थी, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है जब भक्तों से हमने बात करी जो वहाँ पे मौजूद थे, अभी वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने जो वीडियो बनाया वो भी अभी आपको दिखाने वाले। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा हादसा बताया जा रहा है अब तक का जो वैष्णो देवी धाम पे हुआ है, वो नए साल के मौके पर हुआ है। सबसे पहले दोस्तों अभी यहाँ पे हादसा होने की वजह ये बताई जा रही है कि जो माता वैष्णो देवी धाम है, भवन है, उसमें दर्शन के लिए जाने वालों को भी काफ़ी जल्दी थी और जो दर्शन करके आ रहे थे तो उनको भी काफ़ी जल्दी थी, मतलब आने और जाने के लिए लोगों में, भक्तों में काफ़ी जल्दी थी, तो इस वजह से एकदम भीड़ बेकाबू हो गई और भगदड़ मच गई। तो इसी के कारण कई लोगों की जो भीड़ इकट्ठा थी वह सोची कि एकदम लोग वाग क्यों भागे, तो इससे काफ़ी ज़्यादा भगदड़ मचने की वजह से कई लोग गिर चुके हैं और कई लोग एक के ऊपर एक चढ़ चुके, इसी कारण से कई लोग घायल हुए और कई लोगों की इसमें मृत्यु हो चुकी है। अभी तक तो 12 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है और आगे भी देखते क्या मामला आता है, जैसे भी जो भी जानकारी मिलेगी अपने चैनल पर अपलोड करूँगा। पहले आप यहाँ का नज़ारा देखिए, ये वही नज़ारा है जो नाइट के वक्त भगदड़ मचने के बाद में कई लोगों को यहाँ से ले जाया गया था, जो कि हॉस्पिटल में, कटरा के हॉस्पिटल में रेफर किया गया था। जो वैष्णो देवी साइन बोर्ड है उनकी तरफ से भी यहाँ पे देख सकते हो आप किस तरीके से भगदड़ मची थी। तो दोस्तों अभी वैष्णो देवी धाम में कई जनों के नंबर भी नहीं लग रहे थे फ़ोन नंबर, तो अभी हेल्पलाइन नंबर जिसको बोलते हैं वह भी जारी करा गया है। मैं जल्दी से जल्दी अभी उसका वीडियो अपलोड करने वाला हूँ और हेल्पलाइन नंबर के लिए अभी न्यूज़ में भी आ गया होगा, आप जहाँ भी हो न्यूज़ चैनल ओपन करो टीवी वगैरह में और वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर चल रहा है, तो आप जो भी अपना श्रद्धालु, आपके नज़दीकी रिश्तेदार कोई भी हो तो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे सूचना दे सकते हो। तो आप ये पूरा नज़ारा देखिए, नाइट के वक्त का नज़ारा, किस तरीके से भीड़ भाड़ हुई थी और फिर हॉस्पिटल में रेफर करा गया था। ये हमारी पुलिस फोर्स है जिन्होंने भी काफ़ी लोगों को यहाँ पे पहुँचाया है, काफ़ी हेल्प करी है, काफ़ी मदद करी है लोगों की। तो दोस्तों बस आप दुआ करना कि जो भी है ज़्यादा ये मामला और आगे नहीं बढ़े,